दिल तोड़ा तो क्यों तोड़ा, इतना तो बता देती, कोई बहाना कर देती, कोई तो बजा देती। दिल विल नहीं तोड़ने का बच्चा, पढ़ने का है ना। अगर पेपर होने वाला है, अभी एमपी बोर्ड में शिवराज मामा ने बोला पेपर तो लेंगे, 15 मई तक, 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा, पर 13 जून से स्कूल खोलेंगे, मामा ने ऐसा बोला है। तो अगर पेपर हुआ और फेल हो गए तो लंबा वाला दिल टूटेगा, माँ बाप का दिल टूट जाएगा, 4 पैसे नहीं देंगे बाहर पढ़ने के लिए, है ना। यहीं मऊगंज में, यहीं रीवा में घूमते रह जाओगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, जो एक्सरसाइज फर्स्ट की फर्स्ट है ना, 1.1 है उसका। पहला क्वेश्चन कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्न संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित एवं संक्रमक है। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगा कि हमें फाइंड करना है, हमें प्रूव करना है कि गिवन रिलेशन जो है, दिए गए सेट का जो गिवन रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये तीनों फंक्शन मैंने पहले ही बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको आने चाहिए, ठीक है बच्चों। सबसे पहले चीज तो आपको बता दें कि फंक्शन रिलेशन कैसे बनता है। आप सबको पता है, एक कोई अगर हमारे पास फंक्शन है, सपोज करें a इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 1 है 2 है 3 है प्यारे बच्चों, एक समुच्चय है, तो सबसे पहले हमने इसका कार्तीय गुणन बनाया हुआ है ना बच्चों। क्या बनाया है हमने, a क्रॉस a बनाया हुआ है, ये कार्तीय गुणन है प्यारे बच्चों। और कार्तीय गुणन होता है 1 का पहले 1 से, है ना बच्चे, फिर 1 का 2 से और फिर 1 का 3 से, ऐसे 2 का सबसे, 2 का 1 से और बच्चों 2 का 2 से और बच्चों 2 का 3 से, ऐसे प्यारे बच्चों 3 का 1 से और 3 का 2 से और 3 का 3 से, ये प्यारे बच्चों कार्तीय गुणन कहलाता है। अब अगर कार्तीय गुणन से हमें रिलेशन, सबसे पहले समुच्चय, समुच्चय से कार्तीय गुणन, सेट, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना बच्चे। अब इससे हमें रिलेशन निकालना होता है। तो सपोज करें अगर रिलेशन, रिलेशन एक संबंध दिया होगा, जैसे भारत दिल्ली की राजधानी है तो भारत और दिल्ली में राजधानी का संबंध है ना। ठीक ऐसे ही यहाँ पे ये जो 2 एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट के बीच एक संबंध दिया होता है। वो संबंध कैसे दिया है, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है बच्चे। अगर मानो संबंध ऐसा दिया हो, आर इज इक्वल टू, सपोज करें क्या है, एक्स कॉमा वाई एक संबंध है, जहाँ एक्स इज इक्वल टू वाई है। पहला, हर एक क्रमिक युग्म का पहला एक्स है, दूसरा वाई है, पहला एक्स है, दूसरा वाई है। तो अगर हमें ऐसा संबंध निकालना है बच्चे, जहां एक्स और वाई इक्वल हो, जहां एक्स और वाई प्यारे बच्चों बराबर हो, तो आप ध्यान दो, एक्स वन वाई वन, तो संबंध वाले समुच्चय में 1 1 आएगा, है ना बच्चे, 2 2 आएगा और क्या आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा और 3 3 आ जाएगा। तो संबंध निकालना मतलब हर एक क्रमिक युग्म का एक्स और वाई निकालना, ठीक है बच्चे। तो थोड़ा सा रिवाइज किया मैंने आपको, अगर समझ में आ गया हो, आप दिए गए चीजों से क्या बना लोगे, आप संबंध बना लोगे बच्चे, और संबंध को अपन वेरीफाई करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है ना बच्चे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, स्वतुल्य, सममित एवं संक्रमक है कि नहीं है बच्चे, ठीक है। सबसे पहले हमने आर में क्या आना है, हमारे आर में आना है बच्चों, अब आर इज इक्वल टू, हल करके बोल रहे हैं, यहीं पे हल करके बोलने, क्या गिवन है, क्या बोल दिया बच्चों, दिया है, गिवन है, ये गिवन ए है और ये गिवन आर है। अब हमें आर बनाना है बच्चों, आर कैसे बनाना है, आर में क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, बहुत सारे एक्स कॉमा वाई, कितने एक्स कॉमा वाई, उतने एक्स कॉमा वाई जो दिए गए संबंध की डेफिनेशन मतलब परिभाषा से परिभाषित हो जाएं, उतने एक्स कॉमा वाई होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप यहां से देखो, आपके पास है क्या, आपके पास है 3x - y = 0। तो सबसे पहले तो एक्स इज इक्वल टू आपको 1 रखना है बच्चे, एक्स इज इक्वल टू 1 रखना है, तो उसके हिसाब से वाई का मान निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो x इक्वल टू 1 रख के देखेंगे तो 3 × 1, जब x बराबर 1 है बच्चों, x बराबर 1 है तो 3 × 1 और -y = 0, तो प्यारे बच्चों -y = -3, तो y = प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे एक मिल गया कि अगर अपन x 1 रखेंगे तो इस संबंध के हिसाब से y क्या हो जाएगा, y हमारा 3 हो जाएगा।
या फिर ये बोले कि 3x - y 0 के बराबर होना चाहिए बच्चे, तो अगर 3x - y = 0 है इसके हिसाब से देखो, तो 3 के स्थान पे 3, 1 के स्थान पे 1, y के स्थान पे 3 = 0, तो 3 - 3 = 0, 0 = 0। तो ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन, ये संबंध 1, 3 से वेरीफाई हो रहा है। तो जो हमारा क्रमित युग्म है, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है प्यारे बच्चों, ये 1, 3 मतलब जो है रिलेशन का हिस्सा है। ठीक है बच्चे, अब अगला कैसे निकालेंगे, ऐसे ही हम x, अपने पास क्या है बच्चों, 3x - y = क्या है बच्चे लोग, 3x - y = अपने पास क्या है, अपने पास 0 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से -y = 3x हो जाएगा, -3x, y = 3x बन जाएगा, मतलब जो y है x का 3 गुना होगा। अब बार बार क्यों निकालें, देख के रख लें। अब अगर x = अपन 2 लेंगे बच्चों, x = 2 करके देख लो, तो 3 × 2 x बराबर हमने 2 लिया हुआ है, तो y = क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। तो अब जो हमारा y है x का 3 गुना होगा, तो जब हम रखेंगे बच्चों x = 2, तो y = क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, आप निकाल लेना। जब रखेंगे x = 3, तो y हमें 9 मिल जाएगा, और ऐसे डॉट डॉट करते करते सब रखते जाएंगे, फिर लिखेंगे 13 रखेंगे बच्चों, 13 × 3 = 39 मिल जाएगा। और ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब x बराबर हम 14 रखेंगे, 14 × 3 = 42 मिल जाएगा। इस तरीके से हमने रिलेशन R को ट्रेस कर लिया, रिलेशन R बच्चे हमको मिल गया, संबंध R हमको मिल गया। ठीक है, अब इस संबंध R को है ना हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो तीनों की तीनों डेफिनेशन आपको आने चाहिए बच्चों। कोई भी संबंध स्वतुल्य तब होता है, हमने बोला था स्वतुल्य तब होगा जब सारे अवयव का, अगर इसमें 14 अवयव हैं, तो 14 के 14 अवयव खुद से संबंधित हो, मतलब प्यारे बच्चों R में क्या क्या होना चाहिए, R में 1, 1 भी होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, 4 का 4 से होना चाहिए, 5 का 5 से होना चाहिए, 6 का 6 से होना चाहिए, 7 का 7 से होना चाहिए। तो क्या संबंध में ऐसा है, ना तो 1, 1 है, ना तो 2, 2 है, ना तो 3, 3 है, जबकि सारे चाहिए। तो दिया गया संबंध जो है स्वतुल्य है कि नहीं है बच्चों, नहीं है स्वतुल्य, क्योंकि स्वतुल्य में 1 का 1 से चाहिए, 2 का 2 से चाहिए, 3 का 3 से चाहिए, 4 का 4 से चाहिए, और ऐसा कुछ भी अपने पास नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा संबंध जो स्वतुल्य नहीं है, इसको कैसे हम लिखेंगे वो मेन चीज है, वो आपको दिखा दें। हम बोलेंगे कि सिंस, सबसे पहला बोल देंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, है ना, स्वतुल्य संबंध के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य के लिए हम चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे सिंस जो हमारा 1, 1 है और 2, 2 है, 2, 2 है बच्चे, और ऐसे ही 3, 3 है, और ऐसे ही डॉट डॉट करके बात करें 13, 13 और हमारा 14, 14 नॉट बिलोंग्स टू आर, संबंध आर समुच्चय का हिस्सा नहीं है, ये रिलेशन में नहीं है। अतः दिया गया बच्चों जो हमारा संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है, अतः दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं है। गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य नहीं है। बोलेंगे सिंस 1, 1, 2, 2, 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चे, हो गया बात, समझ में आ गई। अब अपन अब अगले के लिए करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के आप नोट डाउन बिल्कुल कर लीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला होता है सममित के लिए। क्या होता है बच्चों, सममित के लिए आप आंख बंद करके बता सकते हो कि सममित भी नहीं है। सममित में क्या चाहिए, सिमेट्रिक में क्या चाहिए, सिमेट्रिक में बच्चों अगर a, b बिलोंग्स टू R है, इसका उल्टा b, a भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तभी दिया गया संबंध सममित संबंध या फिर सिमेट्रिक रिलेशन होता है।
तो अगर यहाँ पे 1 3 है तो फिर 3 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। अतः दिया गया संबंध हमारा सम्मिलित नहीं है। इसे अपन चाहे तो इस तरीके से बोल रहे कि सेंस ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, इज बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 3 तो है, किंतु, है ना बच्चे, किंतु किंतु जो हमारा बी कॉमा ए है उसका उल्टा इज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। चूंकि ए कॉमा बी आर का संबंधित है लेकिन बी कॉमा ए आर संबंधित नहीं है, है ना बच्चे। तो क्या बोलेंगे हम, हम बोल देंगे कि ये सम्मिलित नहीं है। लेकिन बच्चे क्या बोलेंगे अपन, अपन इस तरीके से बोलेंगे कि जो 1 3 है, 1 3 है, 1 3 है, वो अवयव है, इज आ एलिमेंट ऑफ, सॉरी, वो तो है, है ना, वो तो है किसमें, आर में है, है ना, आर में है। किंतु किंतु इसका उल्टा बच्चे, इसका उल्टा जो 3 1 है इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर का अवयव नहीं है। अतः दिया गया, अतः दिया गया हमारा, दिया गया जो फलन है, अतः दिया गया फलन जो है बच्चे सममित नहीं है, दिया गया फलन हमारा सममित नहीं है। द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है बच्चे, ये भी हो गया। अब अपन क्या चेक करेंगे बच्चों, अब अपन चेक करेंगे ट्रांजिटिव। पुराने वीडियो देख लो कि क्या मेन पॉइंट थे सममित चेक करने के लिए, क्या मेन पॉइंट था सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक चेक करने के लिए, क्या मेन पॉइंट था रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य चेक करने के लिए, और क्या मेन पॉइंट था संक्रमक मतलब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। प्यारे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो पुराने वीडियो जाके देखो, प्लेलिस्ट में 4 वीडियो पड़े हुए हैं और चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चे। अपन आगे बढ़ते हैं फिर, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हम बोलने वाले हैं बच्चों संक्रमक के लिए, क्या बोलने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं प्यारे बच्चों संक्रमक के लिए, संक्रमक संबंध के लिए हम जांच करने वाले हैं। अब प्यारे बच्चों आपको याद दिला दें कि संक्रमक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी संबंध आर का अवयव है, अवयव है, एवं 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 बी कॉमा बी भी है ना, बी कॉमा सी जिससे एंड हुआ है उससे स्टार्ट होने वाला है ना, बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर है, अगर ये दोनों है तभी चेक करते हैं। आपको पता है, जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हैं उनको पता है कि अगर ये दोनों है ए कॉमा बी और फिर बी कॉमा सी अगर आर में है तभी संक्रमक चेक करते हैं, अदरवाइज संक्रमक चेक नहीं करते, और अगर संक्रमक चेक नहीं कर सकते तो उसको संक्रमक माना जाता है। आगे बात समझ में, तो पीछे के वीडियो जो लोग देखे हैं उनको पूरा पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर नहीं देखे हो बच्चे तो पीछे जाके देखो, पीछे जाके देखो उसके बाद आ गया हो, है ना बच्चे। तो क्या करेंगे, अगर a कॉमा b इज बिलोंग्स टू r, b कॉमा c इज बिलोंग्स टू r, तो है ना, तो जो a और b है, b और c है, तो आप ये b कॉमा हटा दो, जो a कॉमा c है, a कॉमा c है एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, ये मेन चीज है, होना चाहिए, है ना बच्चे, होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तभी वो संक्रमक है, ठीक है बच्चों। तो मतलब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो 1 3 है, 1 3 है बच्चे, 1 3 तो है, अब 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो 3 9 है ना बच्चे। तो मतलब ए कॉमा बी है और फिर क्या है बच्चे, बी कॉमा सी है, तो क्या होना चाहिए, तो ए कॉमा सी होना चाहिए, ए कॉमा सी होना चाहिए। मतलब अगर 1 3 है और 3 9 है तो फिर 1 3 होना चाहिए, तो क्या पूरे में 1 9 होना चाहिए, तो क्या पूरे में 1 9 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अपन सीधे बोल सकते हैं कि सिंस 1 3 इज बिलोंग्स टू आर, एवं एवं 3 9 इज बिलोंग्स टू आर, किंतु 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 1 9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध संक्रमक नहीं है, सिंस द गिवन रिलेशन इज नॉट, क्या, इज नॉट
संक्रमक क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं, इट्स नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चे, तो ये अगर आप पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हो तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सब आपसे बड़े आराम से बन जाएंगे, और अगर नहीं करके आए हो तो फिर तो भगवान ही मालिक है भैया, है ना। अब आप जानो आपका काम जाने, पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते। सरकारें तो वैसे भी चाहती हैं कि आप चुपचाप पड़े रहो, गधे बने रहो, आपको समझ ना आए कि किसको वोट देना है ना, कौन पप्पू है और कौन पप्पा है, आपको बिल्कुल समझ में ना आए, आप पढ़ाई लिखाई ना करो, देख लो इसीलिए पेपर भी सरकारें नहीं ले रही हैं। तो अगर आप सरकारों के भरोसे रहना चाहते हो तो मत पढ़ो, अगर अपने भरोसे रहना चाहते हो, है ना, अपने किस्मत का ताला चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हो तो दम लगा के पढ़ो, पुराने वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और आगे बढ़ो, और खूब प्रचार करो मैथ्स वाले का, खूब प्रचार करो, ढेर सारा प्रचार करो। किसी भी देखो, गौतम बुद्ध को कौन जानता, वो जाके बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करके वहीं पे निपट जाते, है ना। उनको बढ़ाने वाले उनको प्रचारक थे। तो गौतम बुद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण लोग कौन थे जिन्होंने गौतम बुद्ध का प्रचार किया? तो मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो? तुम सब बच्चे लोग हो, जो पांच पांच छह छह बच्चे नए बैच में लाने वाले हो, मुझे पता है ना। इसलिए प्रचार प्रसार में पूरी एनर्जी लगा दो, पूरी ऊर्जा लगा दो, मतलब पढ़ो भी, ऐसा नहीं कि पूरी ऊर्जा वहीं पर लगा दो। आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आर अब अगले क्वेश्चन के लिए मैं एनसीईआरटी की आवश्यकता है। एनसीईआरटी मेरी पता नहीं गुम हो गई, एक तो पीयूष ने दिया हुआ था तो वो गायब भी हो गई है, और एनसीईआरटी अपने पास है नहीं, है ना। तो अभी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो जब तक डाउनलोड करें तब तक अपन ये वीडियो अपलोड में लगा दें, अगले वीडियो मिल जाएंगे अपन, क्या कहते हो? ठीक है ना। तो जब तक अपन एनसीईआरटी डाउनलोड करते हैं तब तक आपको ये वीडियो अपलोड कर दे, आपको मिल जाए, छोटे छोटे वीडियो पढ़ने में आपको मजे भी आते हैं। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।